मॉर्निंग क्लास। तो हमने अभी तक फुट नोट्स एंड नोट तक किया था, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें हमने फुट नोट और एंड नोट तक किया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे इंसर्टिंग टेबल पेज नंबर 63 से, ठीक है। तो इसमें है अ टेबल हेल्प्स टू प्रेजेंट डाटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। तो टेबल के हेल्प से हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड एंड सिंपल वे टू रिप्रेजेंट बोथ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा। इससे हम इसमें हम नंबर्स भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। टू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। अब हमें यहाँ पे आपको स्टेप बताया गया है कि टेबल इंसर्ट करने के लिए आप कौन सा स्टेप यूज़ करोगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर वन, प्लेस द कर्सर वेयर टेबल हैज़ टू बी इंसर्टेड। आप अपने कर्सर को प्लेस करोगे जहाँ पे आपको अपना टेबल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट, ये हो गया इंसर्ट टैब, ठीक है। इन द टेबल ग्रुप, ये हो गया टेबल ग्रुप। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टेबल, अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। यहाँ पे नीचे एक एरो दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो एक मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। मूव द माउस पॉइंटर द टेबल ग्रिड टू फिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द टेबल। आप यहाँ से कितने रोज़ का और कितने कॉलम का टेबल चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो चूज़, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। या फिर आप यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितना नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 6 कर दिया और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है 3-4 कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो और आप वैसे भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, मूव द माउस पॉइंटर द टेबल ग्रिड टू फिक्स। ओके, ये हो गया। नंबर फोर, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन व्हेन फिनिश। जब आपका हो जाएगा, ठीक है, आपने टेबल पे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, लेफ्ट बटन आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आपका हो जाएगा तो आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है, तो आपका जो टेबल है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लिक इन एनी ऑफ द सेल एंड टेबल टू ऐड टेक्स्ट। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से किसी भी बॉक्स में क्लिक कर सकते हो और आप इसमें नंबर्स या फिर लेटर्स इसमें आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स लेटर्स एक साथ आप टाइप कर सकते हो। एज वी क्लिक एनी वेयर इनसाइड द टेबल, द डिज़ाइन एंड लेआउट टैब्स अंडर द टेबल टूल सेक्शन 5.8B आर एडेड टू द रिबन, ठीक है। जब आप यहाँ पे टेबल ऐड करते हो, ठीक है, तो आपका जो है एक डिज़ाइन लेआउट यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन के आपका बॉक्स बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ से अलग अलग चूज़ कर सकते हो टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद है इंसर्टिंग रो एंड और कॉलम्स इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे, ठीक है, आपको नीचे और रो और कॉलम चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपका जो डाटा है वो इसी में फिट नहीं आया तो आप इसमें रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है। टू ऐड अनदर रो और कॉलम इन द टेबल फॉलो दिस स्टेप्स। आपको ये स्टेप फॉलो करना है। तो जहाँ पे आप नंबर वन है, प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू ऐड द रो और द कॉलम इन द टेबल। जहाँ पे आपको रो और कॉलम चाहिए वहाँ पे आप अपने कर्सर को लेके आओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने कर्सर को लेके आ रही हूँ। नंबर टू, क्लिक ऑन द राइट माउस बटन वंस द ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। राइट माउस पे क्लिक करना है, ठीक है, एक मेन्यू खुलेगा। यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है आपको। क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन, यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। अनदर पॉपअप मेन्यू, उसके साथ ही इंसर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो साथ में और मेन्यूज खुलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप इस मेन्यू में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट मेन्यू है,
ठीक है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो ब्लू बिलो, इंसर्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। अब इस ऑप्शन में क्या है, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट में क्या है, टू इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट, अगर आपको लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम ऐड करना है तो आप ये वाला इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट ऑप्शन चूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट कॉलम टू द राइट, अगर आपको राइट साइड पे कोई कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट कॉलम टू द राइट ऑप्शन चूज़ करोगे। उसके बाद है इंसर्ट रो अबव, अगर आपको कोई रो जो है वो ऊपर की तरफ चाहिए तो आप इंसर्ट रो अबव क्लिक करोगे। ठीक है, इंसर्ट रो बिलो सेम, अगर आपको कोई रो नीचे की तरफ चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। ना लास्ट में है इंसर्ट सेल, सेल मतलब अगर एक छोटा सा बॉक्स, एक स्क्वायर, ये इतना ही एक सेल ही चाहिए होगा आपको इंसर्ट करना, तो आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करोगे। क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड ऑप्शन, द रो कॉलम और सेल विल बी इंसर्टेड इन द टेबल। ठीक है, आपको जैसा भी चाहिए आप इसमें से चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप इंसर्ट रो टू द कॉलम कर रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट कर रही हूँ तो लेफ्ट साइड पर आ गया, यहाँ पर मेरा कर्सर था। ठीक है, अब दोबारा से देख लो, यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा, इंसर्ट किया, अब मैंने राइट कर दिया तो राइट साइड पे एक कॉलम आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह आप इंसर्ट रो अबव कर सकते हो, अबव मतलब ऊपर की तरफ एक रो हो गया। ठीक है, अगर आप नीचे की तरफ करना चाहते हो इंसर्ट रो बिलो करोगे, ठीक है, तो एक नीचे की तरफ रो बन गया। ठीक है, अगर आप इंसर्ट सेल करोगे तो क्या होगा, इंसर्ट सेल पे यहाँ पे आपको कहाँ पे चाहिए, इंसर्ट सेल में अगर आपको नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे की तरफ आप ऑप्शन चूज़ करोगे, सेल राइट चाहिए तो राइट, इंसर्ट सेल इन एंटायर रो, पूरे रो में अगर आपको सेल चाहिए तो आप वो ऑप्शन चूज़ करोगे, एंटायर कॉलम में अगर आपको सेल चाहिए तो आप वो ऑप्शन चूज़ करोगे। ठीक है, आप एक कोई भी ऑप्शन चूज़ करोगे और क्लिक कर दोगे ओके पर। ठीक है, उसके बाद है डिलीटिंग रो एंड कॉलम फॉर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। अब यहाँ पे आपका एक टेबल पूरा बन चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी टेबल आपको डिलीट करना होगा तो आप कैसे करोगे, टू डिलीट अ रो और अ कॉलम फॉलो दिस स्टेप। डिलीट करने के लिए आपको प्लेस द कर्सर एट द रो और अ कॉलम दैट इज टू बी डिलीटेड। आपको अपना कर्सर जो है वो पहले जो भी रो होगा या कॉलम होगा उस पर आप लेके आओगे। ठीक है, क्लिक ऑन द राइट माउस बटन, जैसे मैं हमने पहले किया था वैसे ही राइट माउस का राइट बटन क्लिक करना है, उसमें ऑप्शन दिया गया है डिलीट सेल ऑप्शन। ठीक है, तो डिलीट सेल ऑप्शन में जाओगे। ठीक है, डिलीट सेल ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि लेफ्ट वाला सेल डिलीट करना है या अप वाला सेल डिलीट करना है या आपको इंटायर पूरा रो डिलीट करना है या पूरा कॉलम डिलीट करना है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इन चारों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करोगे और ओके कर दोगे तो एक यहाँ पे सेल जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, दोबारा से देख लो, राइट क्लिक डिलीट सेल। ठीक है, तो शिफ्ट सेल अप करेंगे। ठीक है, डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेटिंग अ टेबल, आप टेबल को फॉर्मेट कैसे करेंगे। ठीक है, डिलीट वाला दोबारा से देख लो, मैं यहाँ पे नंबर वाला बॉक्स जो है वो डिलीट करना चाहती हूँ तो डिलीट सेल इंटायर सेल अप। ठीक है, तो ये पूरा सेल जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे फॉर्मेटिंग अ टेबल, टेबल में हम फॉर्मेट डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन कैसे लेके आएंगे। अ टेबल कैन बी मेड मोर प्रेजेंटेबल बाई एडिंग कलर्स बॉर्डर्स एंड स्टाइल टू इट। ठीक है, अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कलरफुल होगा तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ऐड कलर कर रहे हो, बॉर्डर्स कर रहे हो, कोई स्टाइल इसमें अलग अलग स्टाइल दे रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फॉर्मेटिंग अ टेबल। वी यूज़ टेबल स्टाइल ग्रुप टू द ऑफ द डिज़ाइन टैब टू फॉर्मेट द टेबल। हम जो है टेबल स्टाइल ग्रुप में से डिज़ाइन टैब में जाके हम इस टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। टू फॉर्मेट अ टेबल फॉलो द स्टेप्स, यहाँ पे नीचे आपको स्टेप्स दिया गया है। नंबर वन, क्लिक द टेबल सेलेक्टर बटन प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, द एंटायर टेबल विल बी सिलेक्टेड।
तो सबसे पहले आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एरो दिया गया है, ठीक है। तो ये है टेबल सेलेक्टर बटन, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो पूरा आपका टेबल जो है वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। ऑन द डिज़ाइन टैब इन द टेबल स्टाइल ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरिया एरो ऑफ द मोर बटन। तो यहाँ पे टेबल स्टाइल जो है ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे डिज़ाइन टैब है, इसमें से हम टेबल स्टाइल ग्रुप में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे जो भी आपको डिज़ायर्ड अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ ये वाला, ठीक है। तो आपका जो पूरा बॉक्स है वो ब्लू कलर से फिल हो चुका है। चूज़ द डिज़ायर्ड टेबल स्टाइल फ्रॉम द गैलरी, ठीक है। गैलरी में से आप कोई भी, आपको जो भी पसंद आ रहा है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद द सेलेक्टेड स्टाइल विल बी अपीयर्ड टू द टेबल, आप जो भी सेलेक्ट करोगे वो टेबल पे अपीयर होगा, ठीक है। अलग अलग स्टाइल जो है वो टेबल पे अपीयर होगा। ऐसे ही आप इसमें शेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और आप इसमें बॉर्डर्स भी लगा सकते हो, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। या फिर कोई और बॉर्डर चाहिए आपको, सिर्फ अंदर वाला बॉर्डर चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें चेंजेस, अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद है एडिंग टेबल बॉर्डर्स। आप बॉर्डर्स कैसे ऐड करोगे, टू ऐड बॉर्डर्स टू द टेबल फॉलो दिस स्टेप। आप बॉर्डर्स डालने के लिए आप क्या करोगे, ये स्टेप फॉलो करोगे, सेलेक्ट द टेबल। सबसे पहले तो आपको टेबल जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ऑन द डिज़ाइन टैब इन द टेबल स्टाइल ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो ये बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे आपको क्लिक करना है एरो पे, ठीक है। चूज़ द डिज़ायर्ड बॉर्डर स्टाइल एंड इट विल बी अप्लाइड टू द टेबल। आप जो भी यहाँ पे आप बॉर्डर स्टाइल डालना चाहते हो आप वो चूज़ करोगे, ठीक है। नो बॉर्डर्स करोगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। डायगनली डाउन बॉर्डर करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे, ठीक है, और आपका वैसे ही स्टाइल होगा यहाँ पे बॉक्स में, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरिया ऑफ द बॉर्डर बटन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब टू ऐड बॉर्डर्स टू द टेबल। आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ ग्रुप में जाके, ठीक है, होम में जाके पैराग्राफ में यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, इसमें से भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बॉर्डर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो बॉर्डर डालने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नो बॉर्डर्स कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, नो बॉर्डर्स हो गया, ठीक है। कोई भी बॉर्डर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है इंसर्टिंग पिक्चर। अब हम पिक्चर इसमें ऐड कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे। तो एमएस वर्ड हेल्प्स टू मेक अ डॉक्यूमेंट मोर इंटरेस्टिंग बाय एडिंग पिक्चर्स ऑन इट। टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। आपको यहाँ पे पिक्चर्स डालने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है। सबसे पहले प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर द पिक्चर हैज़ टू बी इंसर्टेड। आपने अपने कर्सर को पहले जहाँ पे आपको पिक्चर चाहिए वहाँ पे आप लेके आओगे। देन ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाओगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन ग्रुप में क्लिक ऑन पिक्चर्स, यहाँ पे पिक्चर्स दिया है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स है कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स खुला है उसको कहेंगे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। सेलेक्ट द फोल्डर दैट एंड देन द पिक्चर दैट हैज़ टू बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक द इंसर्ट बटन। आप यहाँ पे कोई जहाँ पे भी आपका, जैसे कि अगर आपका पिक्चर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे जाओगे, डॉक्यूमेंट होगा डॉक्यूमेंट में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है, डेस्कटॉप, लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, ठीक है, वीडियोस, यहाँ पे आप चूज़ करोगे। तो उसके बाद आप जो फोटो पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक
क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज है वो स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। द सेलेक्ट पिक्चर्स विल बी इंसर्टेड, वी कैन चेंज द साइज़। हम यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं इस पिक्चर का। ठीक है, जैसे कि इसको अगर मान लो बड़ा करना है तो बड़ा हम कर सकते हैं, छोटा करना है हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है, ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ से कॉर्नर से करेंगे तो ये लेंथ में छोटा हो जाता है। ठीक है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। ये हो गया पिक्चर्स। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्लिप आर्ट कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 हैज़ इट्स ओन क्लिप आर्ट कलेक्शन दैट इज़ अवेलेबल इन द वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्मेट एंड स्टाइल रेंजिंग फ्रॉम द सिंपल कार्टून टू द फोटोग्राफिक इमेज। टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इन द डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे एमएस वर्ड में अपने पहले से ही क्या कहते हैं क्लिप आर्ट जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसमें आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ आपको यहाँ पे स्टेप दिया गया है। ठीक है, तो स्टेप्स में आपको सबसे पहले फॉलो करना है स्टेप्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने कर्सर को लेके आओगे जहाँ पे भी आपको अपना जो है क्लिप आर्ट चाहिए। ठीक है, तो सेम वही इंसर्ट ग्रुप में जाना है, इलस्ट्रेशन में आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लिप आर्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में एक बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ये वाला है क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इस बॉक्स में आप सर्च फॉर का ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला ऊपर का ऊपर है, सबसे पहले है सर्च फॉर। ठीक है, इसमें आप टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्लावर टाइप कर रही हूँ। ठीक है, फ्लावर टाइप करने के बाद आप गो पे क्लिक करोगे। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो फोटोज आ चुके हैं। ठीक है, दो क्लिप आर्ट आ चुका है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपने फॉर एग्जांपल ये वाला चूज़ किया या ये वाला चूज़ किया। ठीक है, दोनों आपके स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, वैसे ही क्लिप आर्ट आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, आप इसमें क्लिप आर्ट को चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इसका साइज़ छोटा करना है, आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका साइज़ बड़ा करना है तो आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें फ्लावर की जगह पे कोई एनिमल लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइगर लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइगर लिख दिया। ठीक है, गो कर देंगे तो टाइगर का फोटो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे फ़ोटो आ जाता है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, टाइगर लिखना है। ठीक है, टाइगर लिखने के बाद गो पे जाना है। ठीक है, गो पे जाने के बाद आपको सिर्फ इस फोटो पे क्लिक करना है तो आपका जो है इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाता है। बाकी आप इसमें चेंजेस यहाँ से कर सकते हो, साइज़ में चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर बाय चांस आपका जो टाइगर है वो ये वाला टाइगर सिलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इसके साइड में बॉर्डर्स लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी इमेजेस सिलेक्टेड नहीं है, आप उसको चेंजेस इसमें से चेंजेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इमेज पे क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्टेड हो सिलेक्ट हो जाएगा और आप इससे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। पिक्चर्स आप फॉर्मेट कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले वाले पिक्चर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पिक्चर फॉर्मेट करने के लिए एज सून एज द पिक्चर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट द फॉर्मेट टैब अंडर द पिक्चर टूल अपीयर ऑन द रिबन। जैसे कि मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आप ये वाला जो है पिक्चर जो है इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो पिक्चर आ गया, तो पिक्चर आने के बाद आप इसमें से यहाँ पे ऑप्शन आएगा पिक्चर स्टाइल। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट बटन में, फॉर्मेट टैब में आता है। ठीक है, तो पिक्चर टूल्स अपीयर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसमें आप पिक्चर की शेप्स चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें बॉर्डर्स लगा सकते हो। ठीक है, और
अलग अलग शेप्स के बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ओवल शेप में है, ठीक है। इसमें अलग अलग आप चेंजेस कर सकते हो पिक्चर का, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग द पिक्चर स्टाइल। पिक्चर का स्टाइल हम कैसे चेंज करेंगे? वेरियस स्टाइल आर अवेलेबल इन द पिक्चर स्टाइल गैलरी। टू चेंज द पिक्चर स्टाइल फॉलो दिस स्टेप। आपको स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है। सेलेक्ट द पिक्चर और इलस्ट्रेशन, ठीक है। पिक्चर को सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। चूज द डिजायर्ड स्टाइल फ्रॉम द गैलरी ऑफ द पिक्चर स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट बटन, ठीक है। फॉर्मेट बटन में जाके आपको यहाँ पे जो भी जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए, आप वैसा आप डिजायर जो भी आपको स्टाइल चाहिए वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। चेंजेस, ओके। द चूजन स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड पिक्चर एज शोन, ठीक है। तो जैसे भी आपको स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग द कलर एंड ब्राइटनेस। कलर और ब्राइटनेस हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए है टू एडजस्ट कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर फॉलो द स्टेप्स। यहाँ पे एक और स्टेप्स दिया गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइगर लिया है, ठीक है। क्लिक ऑन द पिक्चर टू सिलेक्ट, ठीक है। पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। ऑन द फॉर्मेट टैब इन द एडजस्ट ग्रुप क्लिक ऑन द कलर, ठीक है। तो आप इसमें कलर पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रिकलर, ठीक है। कलर यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको जैसे भी ऑप्शन चाहिए, कलर चाहिए, ठीक है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्लिक द ऑन द करेक्शन कमांड एंड चूज़ द अप्रोप्रिएट ब्राइटनेस। आप इसमें ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस +10 किया, तो +10 ये इसका ब्राइटनेस जो है वो चेंज हो रहा है, नॉर्मल मतलब जो पहले था वैसे ही आएगा, ठीक है। -10 करेंगे ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो, और कंट्रास्ट भी यहाँ पे नीचे कंट्रास्ट भी दिया गया है, तो कंट्रास्ट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इसे बैकग्राउंड और ब्राइटनेस और कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यू शुड नो द रिसेट बटन पिक्चर बटन फॉर द एडजस्ट फ्रॉम द एडजस्ट ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टैब टू रिस्टोर बैक टू द ओरिजिनल पिक्चर। रिसेट पिक्चर, यहाँ पे रिसेट पिक्चर है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ओरिजिनल फॉर्म में आपका जो पिक्चर है वो आ जाएगा, जो भी आपने चेंजेस किया वो डिलीट होके ओरिजिनल पिक्चर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, आपको अपने कॉपी में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।